कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के हैदराबाद में है, जहां पर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार उनसे जुड़ने और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें आप कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुद पर कोड़े बरसाते हुए साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो आज यानी 13 नवंबर का ही है। वैसे अगर बात की जाए तो तेलंगाना में एक पारंपरिक मानसून उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान ज्यादातर युवक ही अपनी बॉडी पर हल्दी और चंदन का लेप लगाते हैं और चेहरे पर चटक लाल पेंट करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं और पैरों में भारी पायल पहनते हैं और अपने गालों के अंदर नींबू रख लेते हैं। लोगों को चाबुक से मारने के लिए बिल्कुल अंत में वो दो भारी रस्सियां उठाते हैं और अपनी जुबान बाहर निकालते हैं, जिन्हें पोथा राजस कहा जाता है। कहा जा सकता है कि इस वीडियो में राहुल गांधी के हाथों में दिख रहा ये चाबुक भी उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले भी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पदयात्रा के दौरान भीड़ में घायल हुई महिला का हालचाल जानने पहुंचे थे। बदहवास बुजुर्ग महिला का पल्लू उनके कंधे से कब उतर गया, इसका उन्हें तो होश नहीं था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की नज़र उनके पल्लू पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उनकी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए बुजुर्ग महिला के कंधे पर रख दिया, जिसके बाद हर तरफ इस वाक्य को लेकर उनकी तारीफ भी हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।